सो ही गेमर्स, वेलकम बैक टू टेक ऑन गेमिंग। सो आज की इस वाली वीडियो शुरू करने से पहले कुछ पांच चीज़ें मैं पूछ लेता हूँ तुम लोग से। सबसे पहले चीज़, हमारे चैनल का नया बैनर कैसे देखा तुम लोग को जल्दी से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, बिकॉज मैंने बहुत मेहनत ली है बैनर बनाने, बिकॉज और हाँ, मेरे को आता भी नहीं था बनाने। मैंने 90 क्रिएटर्स नाम के एक यूट्यूब चैनल से सीखा है कैसे बनाते हैं यूट्यूब चैनल का। ईजी वे में उन्होंने बताया कि कैसे तुम यूट्यूब चैनल बैनर बना सकते हो अपने यूट्यूब चैनल के लिए। सो सबसे पहले बैक टू द टॉपिक कि आज की इस वाली वीडियो में हम क्या करेंगे। आज की इस वाली वीडियो में हम पैसे कमाएंगे। सो जैसे कि आप तुम देख सकते हो, मैं यहाँ पे एक गाड़ी चुरा ले रहा हूँ, और अपनी गाड़ी, ये मतलब ये अपना ट्रक मैंने पहले चुरा, फिर उसका दिए वाली गाड़ी, अब वो इसलिए चुराई मैंने, बिकॉज ट्रक मैंने इसलिए लिया था ताकि दूसरी गाड़ी इसको ब्लॉक कर सकूं, और ब्लॉक करे बाद मैं ये वाली या कोई भी गाड़ी ले सकूं। खैर अभी यहाँ पे मेरे पास 1 स्टार की पुलिस पीछे पड़ चुकी है, सो मैं इसे भगा लेता हूँ फौरन। अब यहाँ पे मुझे पुलिस वाला मिला है, सो ये पार्ट मैं स्किप कर रहा हूँ, आगे मिलते हैं फटाफट से। सो गाइस, जैसे कि आप सब देख सकते हो, फिलहाल मुझे ईमान का कॉल आया, और ईमान मुझे बहुत सहमा सा लग रहा था और बता रहा था कि बहुत फ़ायदे की बात है, अगर तुम करना चाहो और इंटरेस्टेड है तुम में तो आ सकते हो इधर। तो मैंने कहा भाई, हम किससे डरते हैं यहाँ पे, किसी से भी नहीं डरते हम, 5 स्टार की पुलिस से नहीं डरे। सो अभी मैं फ़िलहाल ईमान के घर बेस पर आ चुका हूँ, उसने मुझे सीक्रेट बेस पर बुलाया अपने। सो यहाँ पर मैं अंदर जाता हूँ और फटाफट से निकलता हूँ। सो गाइस, जैसे कि अभी मैं ईमान से मिलकर निकल रहा हूँ उसकी सीक्रेट बेस से, और गाइस ईमान लिटरली बहुत डरा हुआ था, बिकॉज उसने मुझे बताया कि ये शहर में एक सेलिब्रिटी आई है, और सेलिब्रिटी की बहुत बड़ी लग्जीरियस कार है वो, लाइक 2 लाख गोल्ड में है वो, लाइक बहुत सही कार है। सो जैसे कि आप सब देख सकते हो, उसने मुझे सीक्रेट अपने मैसेज में भेज दिया था लोकेशन इस कार की। एंड हाँ, इतनी महंगी कार दिख रही है यार, देख सकते हो आप, और सेलिब्रिटी क्या है कुछ यहाँ पे, इको नहीं इस गाड़ी पे चढ़ा हुआ, इनको देखना पड़ेगा। सबसे पहले ये लड़की को उड़ा देते हैं हम, सीधा साइलेंटली किल करना पड़ेगा हमें, पीछे से जाता हूँ और ये फटाक किल। सो हमें रिपेयर किट मिला है, चलो अच्छा है, अच्छी बात है, रिपेयर करने काम आएगा। अच्छा ये लड़की नहीं है, ओके, कुछ उसने कुछ इफेक्ट डाला है। खैर गाइस, जैसे कि आप सब देख सकते हो, 5 स्टार की पुलिस लग चुकी है मेरे पीछे, और वाकई ईमान ने मुझे पहले ही बता दिया था कि 5 स्टार की पुलिस लग सकती है, और बहुत प्रोटेक्शन है ये गाड़ी की, और हेलीकॉप्टर सब आ गए गाइस, जैसे कि आप सब देख सकते हो, मिसाइल्स छोड़े जा रहे हैं इस गाड़ी पर, क्या बोलूँ भाई, लाइक रास्ते ब्लॉक होना, नहीं रास्ते तो ब्लॉक नहीं करे हैं इन्होंने, भाई ब्लॉक कर दिए रास्ते लोग ने, ब्रो। अब बा अच्छा हो मेरे पास रिपेयर किट था, नाइस, मेरे पास रिपेयर किट था, और ये गाड़ी बहुत सही है और स्पीड में जा रही है बहुत। सो फटाफट से देखते हैं मैं, और आपको मिलता हूँ पुलिस छुटाने के बाद। सो गाइस, जैसे कि आप सब देख सकते हो, मैं फाइनली पुलिस 5 स्टार की पुलिस से पीछा हटा चुका हूँ, और मेरे को अभी ये 5 स्टार की पुलिस फिर से पीछे मेरे पड़ सकती है। सो हाँ, फिर से पड़ सकती है मेरे पीछे। सो मुझे फटाफट से ईमान का कॉल आया था, उसने कहा था ये गाड़ी चॉप शॉप में बेच दो, और बस हाँ चॉप शॉप में बेच दो, उसने इतना कहा। एंड मैं अपनी तरफ से उसे कुछ इस 2 लाख आएंगे, तो 2 लाख में से हम कुछ 10,000 गोल्ड उसे दे देंगे, बिकॉज हाँ उसने तो बताया है हमें कि ये गाड़ी बहुत महंगी है उसकी लोकेशन। सो हम उसे 10,000 गोल्ड दे देंगे, ठीक है। और आप सोच रहे हो भाई 10,000 गोल्ड से क्या होगा, भाई ये 10,000 गोल्ड बहुत अच्छा सही है, मतलब डॉलर। सो उसे देने में कोई हर्ज नहीं है, एंड मेरे पास अभी 3 लाख के ऊपर कुछ गोल्ड आ गए होंगे। सो मैं सोच रहा हूँ उसे दे देते हैं। सो सबसे पहले हम इसे 22 लाख गोल्ड में आ रही है गाड़ी, तो मैंने फटाफट से इसे बेच दिया, और 3 लाख 36,000 गोल्ड है मेरे पास, मतलब गोल्ड हम इसे नेम दे रहे हैं, लेकिन रियल मतलब गेम में तो इसका नाम डॉलर ही है। सो फटाफट से पहले इसे मार देते हैं, बिकॉज इस पर एरो मार्क लिखा हुआ है, मतलब ये कुछ खास आइटम दे सकते हैं हमें। सो इसे 1 मुक्का 2 मुक्के इसने मार, ऐसे मार रहा है भाई, कि किसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मुझे मारने की,
लाइक ये जो मेंबर्स हैं ना गाइस, जिसको मैं मार रहा हूँ, ये है ब्लैक गैंग। जैसे कि आपको पता होगा GTA 5 में ग्रीन गैंग, ब्लैक गैंग, मतलब बहुत सारे गैंग हैं। वैसे यहाँ पे एक गैंग है जिसका नाम है ब्लैक गैंग, और ये समझती है कि ये सबसे पावरफुल गैंग है गैंग्स ऑफ एजा सिटी में। बट ये लोग को क्या पता, यहाँ पे तीन गैंग बन चुकी है, जैसे कि तीन मेंबर्स की गैंग है हमारी, जैसे कि कैरन है, ईमैन है और जेसन है, ठीक है। और हाँ बस यही है। सो अभी हम फिलहाल इससे मिल लेते हैं। और हाँ आपको बता दूं कि आप लोग सोच रहे हो कि भाई पहले स्टार्टिंग में चार जने थे ना, और वो एक लेडी थी बूढ़ी, लाइक ओल्ड लेडी। तो हाँ उस वो ओल्ड लेडी की डेथ हो चुकी है, जिसने हमें गैंगस्टर वेजा की जो सीरीज़ है ना season 1, उसमें उसकी डेथ हो चुकी है वो लेडी की। सो हाँ डेथ तो हो चुकी है, अब क्या कर सकते हो। सो अभी तीन मेंबर्स ही हैं हमारी गैंग में। फिलहाल मैं जा रहा हूँ ईमान के घर। ईमान ने कॉल किया था और उसने बुलाया था कि मेरे घर पे, लाइक ईमान ने मुझे बोला ही था कि इसके घर को जाओ, ज़रा ये घर पे जाओ और वहाँ पे संभल के जाना, बिकॉज़ वहाँ पे पुलिस रहती है बहुत सिक्योरिटी, बिकॉज वो लोग को पता है कि यहाँ पे ब्लैक में काम होता है। एंड सो हम फटाफट से जाते हैं अभी ईमान के घर। सो ईमान के घर में अंदर जाते ही हम डायरेक्टली बर्गर शॉप में चले जाएंगे, बिकॉज ये एक सीक्रेट टनल उसने बनाई है। और यहाँ पे ईमान नहीं दिख रहा है, सो मैं उससे बात करता हूँ कॉल पे, फिर उसके बाद आपको मिलता। गाइस फिलहाल मेरी ईमान से बात हो गई और वो कह रहा है कि उसका कोई इंपॉर्टेंट काम याद आ गया उसको, तो वो नहीं आ पाएगा। बट उसने कहा ये ट्रस्टेड बंदा है, तो इससे मीटिंग कंटिन्यू करो, और फिलहाल मैं इससे बात कर लेता हूँ। सो गाइस ये कह रहा है, ये बंदा कह रहा है कि ब्लू टी शर्ट वाला, कि इसके पास एक ग्लाइडर है। ग्लाइडर मतलब ये ग्लाइडर जो है ना, ये हमें हमारे मिशंस करने से बहुत हेल्प कर सकता है ग्लाइडर, बिकॉज ये ग्लाइडर में 5-star की पुलिस लगी गई, तो हम फटाफट से बच सकते हैं, और इसकी स्पीड भी बहुत अच्छी है ग्लाइडर की, और इसकी कीमत ये बता रहा है 1,50,000। सो गाइस अब मैं सोच रहा हूँ कि दे देते हैं, बिकॉज ये हमें बहुत काम आ सकता है एंड बहुत हेल्प भी कर सकता है फ्यूचर में आने वाले मिशंस में। सो हम मुझे मैं सोच रहा हूँ कि ये ले लेते हैं। सो फटाफट से मैं निकलता हूँ अपने वो लेने के लिए। वो फिलहाल मेरे पास गैलेपी नहीं है, तो मैं डायरेक्ट शॉप पर जा सकता हूँ। अगर मेरे पास वो खटारा कार रहती तो पुलिस वालों को शक हो सकता था। तो अभी मैं फटाफट से आपको बर्गर शॉप में मिलता हूँ। सो गाइस जैसे कि आप सब देख सकते हो, मैं यहाँ पे डील कर ली है उससे और उसको पेमेंट भी दे दिया है उसका। सो अब वो कह रहा है कि तुम जाओ, तुम्हारे रास्ते पे तुम्हें मिल जाएगी, पार्किंग पे रहेगी इन द सेंस। सो फटाफट से हम कार लेते हैं और पार्किंग पे जाते हैं, बिकॉज पार्किंग उसने करवा दी है हमारे घर के आस पास के एरिया में। लाइक हमारा जो पैरामाउंट है ना, पैरामाउंट में उसने कहीं तो भी करवा दी है, उसने हमें मेल कर दिया है लोकेशन का। सो फटाफट से हम ले लेते हैं, मतलब जाते हैं वहाँ पे और देखते हैं। और फिलहाल मुझे यहाँ से सी स्ट्रेट जाना है और फिर यहाँ से मुझे राइट टर्न लेना है। एंड फिलहाल गाइस जैसे कि आप सब देख सकते हो, ये है हमारा 1,50,000 का ग्लाइडर। लाइक लिटरली ग्लाइडर कोई काम का तो दिखता नहीं है मुझे। अरे जेसन यहाँ पे बैठो, ये कौन सी पोजीशन पे है ये ग्लाइडर, आई डोंट नो, प्लीज़ इग्नोर दिस, कैसी पोजीशन है कि भाई। बट खैर हम इसे ऊपर करते हैं, नीचे करते, बिकॉज ये बहुत लाइट वेट का है, तो हेलीकॉप्टर के ऊपर भी जा सकता है, ये बहुत लाइट वेट है और जल्दी टेक ऑफ ले लेता है ये। और स्पीड देख रहे हो भाई साहब आप, स्पीड देखो गाइस, बस स्पीड देखो, लाइक और व्यू देखो अभी अभी 3, 2, 1 बस व्यू देखना आप। अभी मैं ऊपर जाता हूँ और व्यू दिखाता हूँ आप लोगों को, बस एक बार अगर आप व्यू देख लोगे जी भाई साहब। लाइक रुको रुको अभी दिखाता हूँ, इसकी थंबनेल में मैं यही डालूँगा, लाइक हाँ यही है, सही है, बहुत सही है थंबनेल में इसकी। सो खैर मज़ा तो आ रहा है। फिलहाल मैं इसे कहीं लैंड करवा देता हूँ और इसे मैं यहाँ एयरपोर्ट के बंकर में डाल देता हूँ, फिर आपको आगे मिलता हूँ। लैंड 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 हो जाओ, लैंड हो जाओ, सही लैंडिंग हो जाएंगी, सेफ लैंडिंग, और टेरेटर गया, वाओ वाओ। चलो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई तो फटाफट से जाकर लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। एंड मैं इतने दिनों से वीडियो इसलिए नहीं डाल पा रहा था बिकॉज मेरी तबीयत ज़रा ख़राब थी, मेरे को लाइक बहुत ख़राब थी, तो मैं नहीं डाल पाया, सॉरी फॉर देट। लेकिन आगे बहुत अच्छी वीडियोज़ आने वाली है। सो गाइस अभी मैं कोशिश करूँगा गैंग्स ऑफ एजा 4 की सीरीज़ बहुत जल्द कंटिन्यू करने की, एंड सीज़न 2 में एटलीस्ट
6 या 10 एपिसोड्स डाल दूँ, ठीक है, फिर सीज़न 4 3 निकालेंगे हम, सीज़न 2 है ना, 3 निकालेंगे। एंड 5 लाइक्स इस वीडियो का टारगेट है, तो जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर देना, 5 लाइक्स है। एंड यू आर वॉचिंग टेक ऑन गेमिंग, आई एम अनशर, दिन बोथ आर साइनिंग ऑफ।